लेकिन अपनी संस्कृति बचाना है, अपने देश को सुरक्षित करना है और अपने बच्चों को अच्छी दिशा में ले जाना है तो और कोई विकल्प नहीं है। हमारे मंदिर, हमारे धार्मिक स्थान, साधुओं से प्रेम भाजपा ने किया है। जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ऐसे ही देश के लिए अच्छे अवसर बार बार नहीं मिलते। इस अवसर है, इसका सदुपयोग करिए। ओम शांति शांति शांति। आइए चुने उनको जो राष्ट्र को चुन रहे हैं, संस्कृति को और संस्कारों को चुन रहे हैं। चलिए हम निकलें और वोट दें। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सनातन हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए आप सभी बिल्कुल 17 तारीख को सपरिवार सहित घर से बाहर निकलकर मतदान जरूर करें। मतदान अवश्य कीजिएगा और मतदान करते समय यह अवश्य ध्यान में रखिएगा कि हमारा यह मत, हमारा यह वोट उन्हीं को जाना चाहिए जो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जो अपने सांस्कृतिक धरोहर के लिए जागरूक है। लोकतंत्र का अगर संजीवनी बूटी है तो वो है मतदान। बहुत जिम्मेदारी के साथ आपने अपनी इस भूमिका को निभाना है। समस्त इस महा लोकतंत्र के महापुरुषों के पर्व पर जो सौभाग्य होने वाले हैं, उन्हें सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, इस संभावित ध्वजा को हमें फिर से एक बार प्रदेश में लहराना है। चुनाव के इस दौर में जनता जनार्दन और सनातन धर्म का पालन करने वाले बाबा के भक्त सभी लोग पूरी निष्ठा से सनातन धर्म को मजबूती देने वाले बाबा महाकाल की उपासना करने वाले और भव्य रामलला का मंदिर बनाने वालों को आज हम लोग चुने। मानवता और इंसानियत की रक्षा करने वालों को इस चुनाव में चयन करके सरकार में और व्यवस्था में लाना चाहिए। हरिओम तशत, हरिओम तशत। आप सभी भक्तों से, देश भक्तों से हमारा निवेदन है, 17 नवंबर को मतदान का बहुत बड़ा पर्व है। हम लोगों का कर्तव्य है, जो लोग भगवान श्री राम के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, सनातन धर्म की रक्षा में तत्पर हैं, उन लोगों के पक्ष में हमको मतदान करना है और सभी को करना है। मेरी सभी मतदाता उनसे अपील है कि अपने मत का प्रयोग करें। आप अपने विवेक से उस सरकार का चयन करें जो सबके विषय में चिंतन कर सके, जिनकी गारंटी आपके भविष्य को सुरक्षित करे। उस सरकार का चयन करें जो राम राज लाने में सक्षम हो, जिस सरकार में सनातन धर्म का पताका हमेशा ऊपर रहे। उस सरकार का चयन करें जो मंदिरों और मठों की रक्षा कर सके।